हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका टीजीटी और पीजीटी के एपिसोड 2 में, जहां हम इस टारगेट विद आलोका के चैनल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी और पीजीटी की। मैं हूं आप ही के बीच का एक विद्यार्थी, आप ही का दोस्त, आप ही का भाई, अमित त्रिपाठी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध हिंदी में इसे कहते हैं हम लोग, और बहुत सारे क्वेश्चंस को देने वाला ये टॉपिक है। तो एक चैप्टर है बड़ा सा, उसमें कई सारे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। इसको मैं टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा टीजीटी वाले विद्यार्थियों को कहां पे जाके आपको रुक जाना है, बाकी लेक्चर पीजीटी वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो प्रोग्राम है केमिकल बॉन्डिंग को लेके सीखने का, वहां पर अपने आप को लेके चलते हैं। केमिकल बॉन्डिंग कि जब हम लोग बातचीत करते हैं तो सबसे पहले बातचीत होती है टाइप ऑफ बॉन्डिंग की। बॉन्ड कितने तरह के होते हैं? बॉन्ड अगर एटम्स बनाए, परमाणु आपस में अगर बंध बनाए, तो उसको इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग कहते हैं। अगर परमाणु एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए तो उसको इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग कहते हैं, और मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाए तो उसको इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग कहते हैं। एटम्स बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं, इसके बाद मॉलिक्यूल भी आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उसको इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग कहा जाएगा। तो अगर हम टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बातचीत करें तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग में, बॉन्डिंग की टाइप्स में बात करें तो सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जो हमारा बॉन्ड है वो इंटर एटमिक लेना है या इंटर मॉलिकुलर लेना है। इंटर एटमिक है ना, परमाणुओं के बीच में बनने वाला बॉन्ड है, या अणुओं के बीच में बनने वाला बॉन्ड है, इंटर मॉलिकुलर लेना है। अगर मैं इंटर एटमिक की बात करूं तो एटम्स दो तरह के होते हैं, परमाणु दो तरह के होते हैं, एक ऐसा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसको मेटल कहते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको नॉन मेटल कहते हैं। मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु। तो इलेक्ट्रॉन को जो लूज करने वाला है उसके अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है ना, बोलते हैं कि आपके अंदर पॉजिटिव नेचर, आप दूसरों को देते हो, अच्छा करते हो, तो पॉजिटिव वही है जो दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रो नेगेटिव। पीरियोडिक टेबल का बेसिक लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया, अब लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि एस और डी ब्लॉक में यहां पर मेटल्स होते हैं, एस और डी ब्लॉक में मेटल्स होते हैं, और मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। एस और डी ब्लॉक में धातु होते हैं और धातु वैद्युत ऋणात्मक होते हैं, और पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, मतलब वैद्युत ऋणात्मक होते हैं। इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इनके अंदर होती है और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है। सबकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है ना, मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की भी, हमारी और आपकी सबकी अपनी एबिलिटी है। कुछ नेचुरल एबिलिटी होती है और कुछ हम लोग डेवलप करते हैं, है ना। जैसे हम सब्जेक्ट में अपने आप को प्रैक्टिस करके, मेहनत करके, चीजों को जो नहीं जानते हो जानने की कोशिश करते हैं, और कुछ हमारे अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है, बाय बर्थ होती है। कंपटीशन का लेवल वहां से शुरू होता है जहां नेचुरल के बाद, जहां मेहनत वाला पार्ट है वहां पे शुरू होता है कंपटीशन का लेवल। तो अब मैं जो बातें बता रहा हूं उसमें बहुत सारी बातें नेचुरली हमें पता है, और बहुत सारी बातों को हमें अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मैंने आपको बार बार कहा था, पिछली क्लास में भी कहा था, कि अब हमें ट्रेडिशनल पढ़ाई के तरीके को छोड़ के स्मार्ट स्टडी वाले कार्यक्रम में जाना है, जहां से सवाल निकलने लगे। हमने पढ़ा, हर लाइन को पढ़ा और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए देखते हैं, अभी पेपर्स आप लोग देखते रहिए, मैं आपको भी क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन देता रहूंगा कि जिस टॉपिक को मैंने पढ़ाया है उस पर
क्वेश्चन 21 में क्या आया, 16 में क्या आया, उसके पहले क्या आया, तो इससे आपको एक अंदाजा लगता रहेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं उस पर सवाल क्या क्या बनेंगे और कैसे इसको हमें प्रिपेयर करना है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कौन बनाता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, एक मेटल एक नॉन मेटल, एक एस ब्लॉक वाला पी ब्लॉक वाले से, डी ब्लॉक वाला पी ब्लॉक वाले से, अगर इस तरह से बॉन्ड बनाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो ये हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के बॉन्डिंग की, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, अगर दो एटम हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेने की इच्छा रहते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, दोनों लेना चाहते हैं, तो अब अगर दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई देने वाला नहीं है, तो क्या तरीका है भाई? एक ही तरीका है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लो। अगर दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही तरीका है ना कि दोनों शेयरिंग कर लें। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, साझा करेंगे, कौन? नॉन मेटल्स, अधातु, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, वैद्युत ऋणात्मक तत्व, जब अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट। यानी कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? इलेक्ट्रो नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। और जो एस और डी ब्लॉक के एलिमेंट है, दे आर मेटल्स, क्वेश्चन पूछा गया था, ये मेटल्स है। तो अगर ये मेटल है, मैं आपको जो जो पॉइंट्स बोलता जाऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करते चलना है कि क्या क्वेश्चन आए थे। मैं ऐसा नहीं कि आपको हमें बोलना पड़ेगा कि देखिए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 12 में ये पूछा गया, हमें बोलना नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताते चलूंगा, शीट दे दूंगा, क्वेश्चन आप लगाते चलेंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। हमें बोलना पड़ जाए कि ये क्वेश्चन आया था तो इसका मतलब कि हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं कि जहां क्वेश्चन आ रहा है वहीं को फोकस कर रहे हैं। हमें ऐसा पढ़ना है कि पढ़ते चले क्वेश्चन लगते जाए, खुद से आपको लगते चले। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मुझे याद आ गया, मेटल वाली बात पूछी गई थी, है ना। तो अब एस और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मेटल्स हैं, धातु हैं, अगर ये आपस में बॉन्ड बनाए, इतना बड़ा एक लोहे का रॉड है, तो ये जो लोहे का रॉड बना है कैसे बना है? छोटे छोटे मेटल्स, छोटे छोटे मेटल्स, छोटे छोटे धातु आपस में कोई ना कोई बॉन्ड बनाए होंगे, एटम्स बनाए होंगे, छोटे छोटे इनके परमाणु बनाए होंगे। तो ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड बना होगा, इस बॉन्ड का नाम है मेटेलिक बॉन्ड, हिंदी में धात्विक बंध कहते हैं। इसका नाम क्या है? मेटेलिक बॉन्ड, हिंदी में धात्विक बंध कहते हैं। हम पढ़ाने का प्रारूप ऐसा रख रहे हैं कि चाहे आपने हिंदी मीडियम पढ़ा हो, चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़ा हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ा हो, दोनों मिला के पढ़ा हो, है ना, आपको बातें पूरी पूरी समझ में आ जाए। तो ये सह संयोजक बंध की बात हो रही है, ये आयनिक बंध की बात हो रही है, और ये धात्विक बंध की बात हो रही है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग बनाने वाले कौन कौन है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एटम्स दो तरह के होते हैं, परमाणु दो तरह के होते हैं, तो अगर परमाणु दो तरह के होते हैं तो बॉन्ड तीन तरह के होंगे, है ना, तीन कॉम्बिनेशन बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, तीन कॉम्बिनेशन बना। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया 29-21 के एग्जाम में, उससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट पहले हम समझा दें, तब इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग को क्लासिफाई करें। अब देखें यहां पे मैं कोई एग्जांपल ढेर सारे रखता हूं, है ना, जैसे मेरे पास एग्जांपल के तौर पे है N2O3, मेरे पास एग्जांपल के तौर पे है KCl, NH4Cl, NH4CN, CaC2, HCl, CaCl2, इनमें वो सब एग्जाम्पल आ गए जो एग्जाम्पल एग्जाम में आए हुए थे, है ना, वो सब एग्जाम्पल आ गए। Li2O, NaN3, Na3N। अब पूछा जा रहा है कि बताएं कि इसमें जो बॉन्ड बन रहे हैं कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? आयोनिक बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। देखो मेटेलिक बॉन्ड तो मेटल्स में बनेंगे, एलॉय में बनेंगे,
किसी कंपाउंड में आपको मेटलिक बॉन्ड नहीं मिलेगा, तो आपको दो ही आंसर आपके पास है, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो किसी भी कंपाउंड में आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बताना कहां कहां बन रहे हैं, जहां दोनों बनेंगे दोनों लिख देंगे, जहां एक ही टाइप के बनेंगे एक लिख देंगे, और कैसे करना है खूब आराम से बड़े प्यार से आप समझ लीजिए। देखिए पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में और डी ब्लॉक में मेटल होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन गैस नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन भले इस ब्लॉक में रहता है उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव मत माना करिए, हाइड्रोजन को पी ब्लॉक का इलेक्ट्रोनेगेटिव ही माना करिए। अब जब भी बॉन्डिंग पूछा जाए तो कैसे करना है आपको, जैसे HCl एक क्वेश्चन है तो हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, हाइड्रोजन पी ब्लॉक का है, क्लोरीन भी पी ब्लॉक का है, दोनों नॉन मेटल है, दोनों पी ब्लॉक के हैं, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये सह संयोजक बंध बनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख दें, कोवेलेंट, इसका नाम क्या लिख दें, कोवेलेंट बॉन्ड। मेरी बात आपके मन तक पहुंच पा रही है, इसको क्या लिख दें हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऐसे ही हर एग्जाम्पल पे काम करना है, चलिए आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पी ब्लॉक के, नाइट्रोजन पी ब्लॉक का है, ऑक्सीजन भी पी ब्लॉक का है, नाइट्रोजन भी पी ब्लॉक का, ऑक्सीजन भी पी ब्लॉक का है, तो अगर ये दोनों पी ब्लॉक के हैं, है ना, पी समूह के हैं, पी ब्लॉक के हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यानी ये भी जो बॉन्ड बनाएंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अब हम लोग को एस ब्लॉक का पोटेशियम दिख रहा है, पी ब्लॉक का क्लोरीन दिख रहा है, तो पोटेशियम आयन क्लोरीन आयन, पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन, तो इनके दो आयन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक। ये देखिए अमोनियम और ये क्लोराइड, अमोनियम आयन नाम सुना आपने, NH4 प्लस अमोनियम आयन, तो अमोनियम एंड क्लोराइड इनके बीच का जो बॉन्ड है, भाई आयन है तो आयनिक बॉन्ड तो होगा ही होगा, लेकिन इनके N और H ये जो बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, N और H भी तो बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाया गया होगा ना, फेविकोल से चिपकाया नहीं गया होगा, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है N और H के बीच में, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि N और H दोनों ही नॉन मेटल है, दोनों ही पी ब्लॉक है, तो इनके बीच का बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट, और इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा, आयनिक, तो इस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड हो गया, आयोनिक एंड कोवेलेंट, 2021 के पेपर में ही सवाल पूछा गया था। अब बिल्कुल ऐसे ही देखिए अमोनियम साइनाइड, तो अमोनियम और साइनाइड में तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन N और H में कोवेलेंट बॉन्ड है, C और N में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड तो ही है, आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड, C और N में कोवेलेंट बॉन्ड, N और H में। अब देखिए कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम पे 2 प्लस है और दो कार्बन पे 2 माइनस है, हम लोगों को पता है कैल्शियम पे 2 प्लस क्यों है, कैल्शियम पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप का तत्व है, तो पहले ग्रुप वाले में प्लस 1 और दूसरे ग्रुप वाले में प्लस 2 होता है, तो अगर यहां 2 प्लस है तो यहां 2 माइनस होगा, तभी तो कंपाउंड न्यूट्रल होगा, टोटल चार्ज 0 होगा, तो ये 2 प्लस है और यहां 2 माइनस है, तो प्लस और माइनस में कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक, लेकिन ये जो दोनों कार्बन है ये भी आपस में कोई ना कोई बॉन्ड बनाए होंगे, दो कार्बन ऐसे आपस में फेविकोल से नहीं जुड़ा है, फेविक्विक से नहीं जुड़ा है, बॉन्ड से जुड़ा है, कैसे बॉन्ड बना, देखिए दोनों कार्बन पे 2 माइनस है, तो एक एक माइनस हमने लिख दिया, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक माइनस मिल गया, 3 बॉन्ड बना लिया। अब बताइए ये जो बॉन्ड बना है सिंगल डबल ट्रिपल, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड ही तो है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से तो बना है, तो कैल्शियम और कार्बन के जो बीच का बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है, और कार्बन जो आपस में बॉन्ड बनाया वो कोवेलेंट है, यानी इस कंपाउंड में आयोनिक और कोवेलेंट दोनों ही बॉन्ड है। कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा है, हर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कौन कौन चीज है, देखिए यहां पर Na प्लस है और N3 माइनस है, Na प्लस है और N3 माइनस है। अच्छा आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे ये रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं अपने विद्यार्थियों के साथ फुल टाइम डेडिकेटेड रहता हूं, तो अगर वीडियो में कहीं कोई बात मैंने बताया और आपको क्लियर नहीं हुई तो वो क्वेश्चन के फॉर्म में चैट कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा और फिर अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, या कुछ डाउट क्लियरिंग जो लाइव क्लास है उस लाइव क्लास में मैं आपको सारे पॉइंट्स फिर से डिस्कस कर दूंगा। वैसे हमारी कोशिश यह रहती है कि अगर आप बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं
इंटरटेनमेंट का पार्ट समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, ये सोच के पढ़ रहे हैं कि सिलेक्शन लेना है हमें, इस साल एग्जाम निकालना ही है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं आप, तो ऐसे केस में आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसको ध्यान में रख के एकदम हम बेसिक से पढ़ाया करते हैं। तो अब यहां पर प्लस टू और माइनस टू है, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना और दोनों कार्बन में कोवेलेंट, वैसे ही यहां प्लस वन और माइनस वन है तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना और ये जो तीन नाइट्रोजन है ये भी आपस में बॉन्ड बनाए होंगे, तीन नाइट्रोजन भी आपस में बॉन्ड बनाए होंगे, तो इनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट। लेकिन वही जब ये क्वेश्चन लिखते हैं आप, देखिए दोनों क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, एक नया सवाल बना देंगे तो नया प्रैक्टिस में आ जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग Na3N लिख देते हैं, नया सवाल थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये Na3N था, ये Na3N है, ये सोडियम नाइट्राइड है, ये सोडियम एजाइड था, ये ऊपर वाला सोडियम एजाइड था और ये सोडियम नाइट्राइड है। तो अगर मैं Na3N लिखता हूं तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 3 सोडियम प्लस 1 N3 माइनस के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब यह है कि 3 सोडियम प्लस 1 N3 माइनस से बॉन्ड बना रहा है, एक Na प्लस, दूसरा Na प्लस, तीसरा Na प्लस, सब इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो 3 सोडियम प्लस 1 N3 माइनस के साथ बॉन्ड बना रहा है, 3 सोडियम प्लस 1 N3 माइनस के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इनके बीच का बॉन्ड क्या है? आयनिक। भाई प्लस और माइनस के बीच का बॉन्ड क्या है? आयनिक। और नाइट्रोजन तो अकेला है, तो अब और कोई एन आपस में बॉन्ड नहीं बना रहा है, यहां पर तीनों एन आपस में बॉन्ड बना रहे थे, यहां अकेला एन है, यानी केवल और केवल यहां पर आयनिक बॉन्ड हो गया, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। एक बार फिर से सारे एग्जाम्पल को उन लोगों को जिनको समझ में तो आया लेकिन उनको लग रहा है एक बार अच्छे समझ में आ जाए, उनके लिए दोबारा मैं हर बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम में 21 का क्वेश्चन था, है ना, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है, है ना। पेपर्स आपके पास भी होंगे और हम तो आपको पेपर सारे देंगे ही, पीडीएफ के फॉर्मेट में पेपर देंगे, प्रॉपर नोट्स आपको देंगे हम हर चीज का, ताकि अलग से आपको मार्केट से चीजों को परचेज करने की जरूरत ना पड़े। जहां तक हो सकता है हम आपको थ्योरी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट तैयारी करने का जो तरीका है उस तक आपको हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अभी एक बार फिर से रिवाइज करा दें उन लोगों के लिए जिनका समझने का टाइम अब स्टार्ट होता है, ठीक है। आइए देखिए भाई, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों पी ब्लॉक के हैं, दोनों नॉन मेटल है, दो नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा। पोटेशियम और क्लोराइड दोनों आयन्स हैं, दो आयन के बीच का बॉन्ड आयनिक होगा। अमोनियम क्लोराइड दो आयन्स हैं, इनके बीच का बॉन्ड आयनिक होगा। एन और एच दोनों के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होगा, ये अमोनियम साइनाइड आयनिक होगा। एनएच या सीएन के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होगा। कैल्सियम कार्बाइड इन दोनों का बॉन्ड आयनिक होगा, दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट होगा। HCl, H और Cl दोनों नॉन मेटल है, पी ब्लॉक है, इनके बीच का बॉन्ड कोवेलेंट होगा। कैल्सियम 2 प्लस और ये दो क्लोरीन आपस में बॉन्ड नहीं बनाए, एक कैल्सियम 2 प्लस से एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, इसने भी आयनिक बनाया, इसने भी आयनिक बनाया, इसकी तरह तीनों जैसे एन आपस में बॉन्ड बनाए थे, ये दोनों Cl आपस में बॉन्ड नहीं बनाए हैं, इसलिए ये भी बॉन्ड आयनिक है और ये भी बॉन्ड आयनिक है। तो दोनों ही बॉन्ड आयनिक है, तो केवल आयनिक ही आयनिक है। अगर ये दोनों Cl ये नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाए होते तब कोवेलेंट होता है ना, समझ में आ रही आपको बात। यहां पर देखिए तीनों N आपस में बॉन्ड बनाए, तो ये जो है केवल और केवल आयनिक बॉन्ड इसमें है, CaCl2 में केवल आयनिक बॉन्ड है। Li2O में कैसे बॉन्डिंग करेंगे वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जब भी ऑक्साइड वाला क्वेश्चन होगा तो आप लोग ऐसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसे ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे पास ऑक्साइड तीन फॉर्मूले का होता है, इसको हम लोग ऑक्साइड कहते हैं, ये O2 टू माइनस है, इसको परऑक्साइड कहते हैं, है ना, और O2 वन माइनस है, इसको हम लोग सुपर ऑक्साइड कहते हैं। सुपरमैन होता है ना, कहते हैं तुम्हारा बहुत पर निकल आया है ना। परऑक्साइड तभी होता है जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, परऑक्साइड ज्यादा रिएक्टिव है और बहुत ज्यादा, तो उसको सुपर ऑक्साइड कहेंगे। तो देखिए अगर कहीं पे केवल ऑक्साइड आयन है, एक ऑक्सीजन पे दो माइनस है, तब तो केवल यहां पर आयनिक बॉन्ड होगा,
है ना, परऑक्साइड है, तो भाई माइनस चार्ज है तो आयनिक तो होगा ही, माइनस है तो आयनिक तो होगा ही, साथ में दोनों ऑक्सीजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएंगे, तो आयनिक बॉन्ड भी होगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। और अगर सुपर ऑक्साइड है तो माइनस आयनिक बॉन्ड तो बनाएगा ही और दोनों ऑक्सीजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाएंगे, तो आयनिक बॉन्ड भी होगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। इस तरीके से हम ऑक्साइड और परऑक्साइड में याद रखेंगे कि जहां ऑक्साइड होगा वहां केवल आयनिक, और परऑक्साइड सुपरऑक्साइड कहीं पर है, दो ऑक्सीजन पर दो माइनस, दो ऑक्सीजन पर एक माइनस, तो वहां पर आयनिक भी होगा और कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं भाई। ये देखिए Li2O है, है ना, ये Na2O2 है और ये है KO2। अब Li2O में लिथियम फर्स्ट ग्रुप का है, एक लिथियम पे प्लस वन, दो लिथियम पे प्लस दो, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस दो, तभी ना जीरो होगा। इसका मतलब कि एक ऑक्सीजन पर यहां दो माइनस है, अगर एक ऑक्सीजन पे दो माइनस है तो क्या हुआ, ऑक्साइड, और ऑक्साइड कौन सा बॉन्ड बनाता है, केवल आयनिक, यानी यहां पर केवल आयनिक बॉन्ड है। मेरी बात आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। Na2O2 में एक सोडियम पर एक प्लस, दो सोडियम पे दो प्लस, अगर यहां पे दो प्लस है तो यहां पर क्या होगा, दो माइनस, कहां पे, ये दोनों ऑक्सीजन पे दो माइनस रखना होगा। अब बताइए दो ऑक्सीजन पे दो माइनस है तो क्या हुआ, परऑक्साइड। फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, दो ऑक्सीजन पे दो माइनस है तो क्या हुआ, परऑक्साइड, और अगर ये परऑक्साइड है तो क्या होगा, ये माइनस तो किसी प्लस के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, ये दोनों ऑक्सीजन भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और जब दोनों ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो आयनिक बॉन्ड तो था ही, ये कोवेलेंट भी होगा, क्योंकि सर ने बोला है कि जब परऑक्साइड का केस आएगा तो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों हुआ करता है। बिल्कुल ऐसे ही देखिए, पोटेशियम इस ब्लॉक का है, इसके पास प्लस वन होगा, यहां माइनस वन होगा, भाई यहां प्लस वन यहां माइनस वन, क्योंकि टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, यहां प्लस दो यहां माइनस टू, यहां प्लस टू यहां माइनस टू, ये तो चार्ज तो बैलेंस ही होना चाहिए। तो अगर यहां प्लस वन यहां माइनस टू है तो ये देखिए दो ऑक्सीजन पर एक माइनस है कि नहीं, बोले दो ऑक्सीजन पे एक माइनस है कि नहीं, अगर दो ऑक्सीजन पर एक माइनस है तो क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड, क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में आप पढ़े हो कि आयनिक भी बॉन्ड होता है कोवेलेंट भी, क्योंकि माइनस है तो आयनिक तो बनाएगा ही और दो ऑक्सीजन आपस में कोवेलेंट तो बनाएगा ही, यानी यहां पर भी आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट होगा। तो जब भी ऑक्साइड वाला क्वेश्चन आए तो पहले ये देख लीजिए कि वो ऑक्साइड है कि परऑक्साइड है कि सुपर ऑक्साइड है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि बैठ के एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक करने में गलती कर दे, है ना। तो करने का तरीका क्या है, ऑक्साइड के क्वेश्चन आएंगे, नाइट्राइड के क्वेश्चन आएंगे, एजाइड के क्वेश्चन आएंगे, अलग तरीके से करना है, है ना। और बाकी जो कॉमन कंपाउंड उसमें अलग तरीके से करना है। मैं चाहता हूं शीट आपको जो दूंगा उसको प्रैक्टिस करेंगे और लाइव क्लास में पूरी शीट को डिस्कस करूंगा, ये कॉन्सेप्ट आपका और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप में से अगर किसी को लगता है अभी और एग्जाम्पल होना चाहिए, और एग्जाम्पल होना चाहिए, तो बिल्कुल परेशान ना हो, है ना। प्रॉब्लम शीट हम जो आपको दे रहे हैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते जाएंगे, आप इसको करते जाएंगे, सब प्रैक्टिस में आता जाएगा। हम आगे इस बात को समझाते हैं। मुझे लगता है कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ने के लिए, समझने के लिए किसी कंपाउंड में कि क्या हो, कितना बॉन्ड, कौन कौन सा बॉन्ड बना है, जितना वक्त देना चाहिए हम लोगों ने दिया। अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ने की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आयनिक बॉन्ड के थ्योरी, उनके प्रॉपर्टीज, रूल, थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब देखना शुरू करेंगे आगे। अभी हम लोग केवल ये समझ पाए हैं कि किसी कंपाउंड को देने पर हम कैसे समझें कि यहां आयनिक बॉन्ड है, कि केवल कोवेलेंट बॉन्ड है, कि दोनों तरह के बॉन्ड है। अब वापस नीचे आ जाए, आ जाओ, ये आ गया। तो इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग तीन तरह के हैं। अब बात करना है इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग की, अब बात करना है इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग की। और इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग, इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग, जब दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बन गए तो मॉलिक्यूल भी आपस में बॉन्डिंग करेंगे, जब दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बन गए तो मॉलिक्यूल भी आपस में बॉन्डिंग करेंगे, और जो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग करेंगे उनको क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग, अणुओं के बीच में बनने वाला बॉन्ड, है ना, अंत आणविक बंध, अंत आणविक आबंध। तो अणुओं के बीच में बनने वाला अगर बॉन्ड है, अगर इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग है, तो इंटर मॉलिकुलर बॉन्डिंग में हमें पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये पीजीटी वाले भाई लोग पढ़ेंगे, पीजीटी में इसकी आवश्यकता बहुत कम है,
और जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट है उतनी हम करा देंगे आपको। और इसके बाद सारे तरह के वेंडरवॉल फोर्सेस ये पीजीटी के लिए पढ़ेंगे हम लोग। पीजीटी में इस पर पूछे जाने वाला सवाल बहुत ही लिमिटेड है, तो हम लोग केवल पीजीटी में इसको पढ़ेंगे। यहां बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्डिंग पीजीटी के लिए बहुत डिटेल में पढ़ना है। यहां पे पीजीटी में केवल आयनिक कंपाउंड और उसके अंदर सोडी फजांस के रूल से कोवेलेंट करेक्टर, पोलराइजेशन, हाइड्रेशन इतना ही जानना है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में कोवेलेंट कंपाउंड के लिए स्ट्रक्चर देखना, हाइब्रिडेशन देखना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर देखना, बॉन्ड ऑर्डर देखना जिसको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ते हैं, यहां तक पीजीटी का काम हो जाता है। लेकिन पीजीटी में उसके आगे उसके डाइपोल मोमेंट की बात करना, रेजोनेंस की बात करना, अनुनाद की बात करना, उन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बंध क्रम जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वो निकालना, वो सब वहां तक लेके जाना है डिटेल में। मतलब कोवेलेंट कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है और बड़ा अच्छा सा सिलेबस है। बहुत सारे सवाल, मतलब एक एक चैप्टर के तीन तीन चार चार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बड़ा अच्छा चैप्टर है। इसको कंप्लीट करते ही आप समझिए, अगर ये पूरा कंप्लीट कर ले तो पीजीटी में 7 से 8 सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। मेटलिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बीच में बनने वाला मेटलिक बॉन्ड, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है जिसको कि जानना है, खास करके हमारे पीजीटी के विद्यार्थियों के लिए, टीजीटी के विद्यार्थियों के लिए इसकी आवश्यकता ना मात्र है। बस हम समझेंगे बॉन्डिंग कैसे होती है और इस पर बनने वाले क्वेश्चन मेटल्स की प्रॉपर्टी को लेकर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे लगता है कि हम लोगों को बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग समझ गए हैं कि कितने तरह के बॉन्डिंग है, क्या सिलेबस है टीजीटी का, क्या सिलेबस है पीजीटी का। आइए हम शुरू कर दें कोवेलेंट बॉन्डिंग। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ा रहे हैं हम लोग, और इसके बाद पढ़ेंगे आयनिक बॉन्डिंग, फिर मेटलिक बॉन्डिंग, और हम लोग पीजीटी वाला सेपरेट कर देंगे नोट्स और टीजीटी वाला अलग कर देंगे। तो सबसे पहले आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से। ध्यान देना है, मैंने आपको बोला था फर्स्ट लेक्चर में एपिसोड 1 में कि हमें हमारा एग्जाम अगर केवल टीजीटी है, हमें पीजीटी नहीं देना है, तो हमें अननेसेसरी का नॉलेज बढ़ाने के लिए पीजीटी वाले सिलेबस की फालतू चीजों को, जो हमारे लिए फालतू है, पीजीटी वाले सिलेबस चीजों को नहीं पढ़ना है। और जिन लोगों को पीजीटी का एग्जाम देना है उनको अपने सिलेबस की एक पॉइंट को नहीं छोड़ना है। तो ध्यान रखना है कि जो जब मैं यहां पे आपको पढ़ाऊंगा तो बताते चलूंगा कि यहां तक टीजीटी पे क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बात है अब वो पीजीटी के सिलेबस की होगी, मैं आपको इन्फॉर्म करते चलूंगा। और बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस उसी में मिक्सअप रहेगा, आप वीडियो देखेंगे आप एक्स्ट्रा भी पढ़ते जा रहे हैं और उससे कोई क्वेश्चन ही ना बने। तो मैं एकदम क्लियर कर दूंगा कि भाई ये यहां तक टीजीटी का हो गया और ये अलग से एक वीडियो इसी टॉपिक का है जो आगे चल के पीजीटी के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम कोवेलेंट बॉन्डिंग जो पढ़ा रहे हैं ये कॉमन है, टीजीटी और पीजीटी सबके लिए है, जो क्वेश्चन बनने जो बेसिक है कोवेलेंट बॉन्ड का वो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग की बातचीत करते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं तो दो तरह के थ्योरी की बातचीत करते हैं, दो तरह के थ्योरी की बातचीत करते हैं। कौन कौन सी? एक थ्योरी का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एक थ्योरी का नाम है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अगले 2 लेक्चर तक हम लोग का चलेगा और वहां तक टीजीटी का सिलेबस हो जाएगा। फिर इसके बाद का जो मैं 3 लेक्चर आपको दूंगा वो कोवेलेंट बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट होगा वो पीजीटी के सिलेबस के लिए होगा, मैं आपको सब इन्फॉर्म करते चलूंगा। रेगुलर टीजीटी और पीजीटी का कॉमन जो टॉपिक है वो रेगुलर चलेगा और पीजीटी का एक्स्ट्रा लेक्चर में आपको देता रहूंगा। यहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो मैंने कहा है कि 2 तरह की थ्योरी होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हिंदी में संयोजी बंध का सिद्धांत, संयोजी बंध का सिद्धांत, और यहां पर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षकों का सिद्धांत, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षकों का सिद्धांत, और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजी बंध का सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? देखिए, ये थ्योरी कहती है कि 2 एटम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसलिए करते हैं, 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन का साझा इसलिए करते हैं
कि जब वो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो उनकी एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है। एनर्जी मिनिमाइज होने से क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है। कैसे? जैसे आपके अंदर अगर एनर्जी है तो आप क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, काम करेंगे, क्वेश्चन का जवाब देंगे। आप भले वीडियो क्लास कर रहा हो, रिकॉर्डिंग, लेकिन आप हर बात का जवाब आपके दिमाग में चलता रहेगा, बिकॉज आपकी एनर्जी है। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी है आपके अंदर, अगर एनर्जी कम है तो आप स्टेबल पड़े रहेंगे, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ, चाहे आयनिक बॉन्ड बनाओ, एक ही तरह का आपका एक्सप्रेशन होगा। तो जब कोई दो एटम मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जब शेयरिंग करते हैं, तो स्टेबिलिटी आती है। इसी को कहते हैं शेयरिंग होना, बॉन्ड बनना, स्टेबिलिटी को आना। तो स्टेबिलिटी जो आ रही है, जो अस्थायित्व आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है इसलिए अस्थायित्व आता है क्योंकि जब दोनों शेयरिंग करते हैं तो एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है, उनका ऊर्जा घट जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए, ये एटम है और ये भी एक एटम है। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन इस शेयरिंग, इस शेयर्ड एरिया में आ गए। एक एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पॉजिटिव में है और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव में। ये पॉजिटिव एनर्जी कंटेन करता है, ये नेगेटिव एनर्जी कंटेन करता है, है ना? ये नेगेटिव एनर्जी कंटेन करता है। अगर दोनों इस कॉमन सेक्शन में आ जाएं, तो पॉजिटिव एनर्जी वाला भी आ गया और नेगेटिव एनर्जी वाला भी आ गया, तो क्या होगा? अगर पॉजिटिव वाला भी आ गया और नेगेटिव वाला भी आ गया तो क्या होगा? इस सेक्शन के अंदर ये प्लस और माइनस को जोड़ने पे एनर्जी घट जाएगी, या तो एग्जैक्टली जीरो हो जाएगी जब दोनों सेम होगा तो, और अगर डिफरेंट होगा तो कम हो जाएगी। इसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना कहते हैं, हिंदी में ऑर्बिटल का कक्षकों का अतिव्यापन कहते हैं, और इंग्लिश में ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करना, आप जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप ही के पढ़ाए हुए विद्यार्थी आगे चल के IIT के एग्जाम निकालेंगे, नीट का एग्जाम निकालेंगे, और वो आपसे उम्मीद करते हैं कि जो जो चीजें आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसकी इंग्लिश भी आप प्रॉपर बच्चों को एक्सप्लेन करें। क्योंकि आज के डेट में ज्यादातर ऐसे शिक्षक हैं जिनको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बोलना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, इसलिए हम हर शब्द को कोशिश करते हैं कि आपके भाषा के हिसाब से, और आगे चल के जो हमें काम करना है, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है, आपका सिलेक्शन श्योर होना है, तो आगे चल के आपको दिक्कत ना, उसको ध्यान में रखते हुए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के बातें कर रहे हैं, ताकि आपका वोकैब दोनों का अच्छा रहे। तो मैं कह रहा था कि इसको कक्षकों का अतिव्यापन कहते हैं, कक्षकों का अतिव्यापन कहते हैं, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कहते हैं, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कहते हैं, कक्षकों का अतिव्यापन कहते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से एनर्जी मिनिमाइज होती है। एनर्जी मिनिमाइज होने से क्या होता है? बॉन्ड बनता है, स्टेबिलिटी आती है, बॉन्ड बनता है। बॉन्ड होता क्या है? अरे दो एटम को चिपक जाते हैं क्या? नहीं भाई, दो एटम के बीच में बॉन्ड बनने का मतलब क्या है? ऐसे स्टेट में आना जहां स्टेबिलिटी हो जाए। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि स्टेबिलिटी इसलिए आ जाता है क्योंकि एनर्जी मिनिमाइज जाती है। यहां पर क्या बोला उन्होंने? एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है, एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है। और ये थ्योरी क्या कहती है? मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षकों का सिद्धांत, आणविक कक्षकों का सिद्धांत कहता है कि दो एटम, दो परमाणु, एटम परमाणु और मॉलिक्यूल अणु, है ना? तो दो एटम जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं, तो बॉन्डिंग करते समय दोनों के न्यूक्लियस के बीच में दोनों का इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, दोनों का, इसका भी इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन आ गया इस कॉमन सेक्शन में। और जब दोनों का इलेक्ट्रॉन आ गया तो देखिए, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, धनात्मक। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, ऋणात्मक। तो दो धनात्मक चार्ज के बीच में, दो धनात्मक चार्ज के बीच में जब वो इलेक्ट्रॉन आता है, तो दोनों धनात्मक चार्ज समान आवेश के बीच में होने वाले प्रतिकर्षण को, है ना, रिपल्सन को कम कर देता है, क्योंकि वो चार्ज अपोजिट है। नेगेटिव चार्ज दो पॉजिटिव के बीच में आएगा तो उनके रिपल्सन को क्या करेगा? कम कर देगा। और रिपल्सन कम हो गया, प्रतिकर्षण कम हो गया, तो स्टेबिलिटी आ गई, है ना? लोगों के बीच में जब आपस में रिपल्सन रहता है तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है, और लोग आपस में रिपल्सन कम कर लेते हैं तो ऐसे जगहों पर स्टेबिलिटी, अस्थायित्व आ जाता है। तो यहां पर अस्थायित्व आने के पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक क्या है? दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दोनों नाभिकों के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के आने से, किसके आने से? इलेक्ट्रॉन के आने से क्या हुआ?
दोनों के बीच का जो प्रतिकर्षण है, जो रिपल्सन है, वो घट गया, और रिपल्सन के घट जाने से स्टेबिलिटी आ गई, और स्टेबिलिटी आने को क्या कहते हैं, बॉन्ड बनना। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मैक्सिमाइज होना, है ना, मैक्सिमाइज होना, किसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैक्सिमाइज होना एक्सप्लेन किया गया मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब मैक्सिमाइज होगा न्यूक्लियस के बीच में, दोनों के इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा तो स्टेबिलिटी आएगी और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तरफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एनर्जी मिनिमाइज करने से, एनर्जी कम होने से बॉन्ड कैसे बनता है इसको एक्सप्लेन करती है, और ये दूसरी थ्योरी न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ने से कैसे स्टेबिलिटी आती है वो एक्सप्लेन करती है। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ना और घटना दोनों ही तरीके की बातें पढ़नी है, और यहां पे एनर्जी की मिनिमाइज होने की बात करनी है, एनर्जी मैक्सिमाइज होने की बात नहीं करनी है। यहां पर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग करने पर कैसे प्योर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, कैसे इम्प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल संकरित कक्षों का आपस में अतिव्यापन होगा, ये सब बातें करनी है, कैसे एक्सियल और पार्शियल ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा और पाई बॉन्ड पे जो सवाल बनेंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी बातें यहां पे हम करेंगे। और यहां पर जब हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो किसी मॉलिक्यूल में बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, उस मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को कैसे देखेंगे, उसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर कैसे देखेंगे, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय वाले सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये सब बातें इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करा है, अगले लेक्चर में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। लगातार पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपनी क्लासेस कंटिन्यू करिए, बिना समय गवाए तैयारी करिए ताकि हम लोग लीड ले सकें। टारगेट विद आलोका पे चलने वाले इस टीजीटी और पीजीटी की केमिस्ट्री की क्लासेस को मैं आप सबसे बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, ढेर सारे संख्या में हमारे विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी शुरू कर दें ताकि पूरी एक्साइटमेंट के साथ हम लोग अपने क्लासेस को कंटिन्यू रखें। थैंक यू वेरी मच।